प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और इस प्रश्नावली में अस्पष्ट फलनों का अवकल गुणांक और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में दिया है, इसका पहला प्रश्न है 2x plus 3y इक्वल टू साइन एक्स। और देख रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में dy by dx का मान ज्ञात करना है, तो इन दिए हुए सारे प्रश्नों में हमको dy by dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख रहे हैं 2x में दो अचर है, बाहर कर लेंगे, x का अवकल गुणांक जानते हैं एक होता है, प्लस 3y में तीन अचर है, बाहर कर लेंगे, और y का अवकल गुणांक क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं dy by dx मिल जाएगा, और sin x का अवकल गुणांक cos x होता है। तो इस प्रकार से 2 और 1 का गुणनफल 2 प्लस 3 डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू काश एक्स। और यदि हम 2 को पक्षांतर कर दें तो देख रहे हैं 2 को पक्षांतर करने पर 3 डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू काश एक्स -2। तो इस प्रकार से डीवाई बाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा काश एक्स -2/3। तो ये इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया है 2x plus 3y equal to sin y। प्रश्न नंबर 2 है 2x plus 3y equal to sin y। और हमको dy by dx का मान ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देख रहे हैं दो अचर पद है, अचर बाहर कर लेंगे तो x का अवकल गुणांक एक होगा, प्लस तीन अचर है अलग किए, y का अवकल गुणांक dy by dx इक्वल टू देख रहे हैं sin y का अवकल गुणांक हम जानते हैं क्योंकि sin का cos होता है, तो cos y मिल जाएगा, फिर y का अवकल गुणांक dy by dx। अब हम dy by dx के पदों को एक और कर लेंगे, तो इस प्रकार से देख रहे हैं यदि इस पद को हम पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 2 और 1 का गुणनफल 2 मिल जाएगा, बराबर काश वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स माइनस 3 dy/dx। देख रहे हैं डीवाई बाई डी एक्स यदि कॉमन कर लें तो हमारा काश वाई माइनस 3 dy/dx। इस प्रकार से डीवाई बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं डीवाई बाई डी एक्स का मान लिखने में काश वाई माइनस 3 डीवाई बाई डी एक्स के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से डीवाई बाई डी एक्स बराबर 2/cos y - 3। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न दिया है xy + y2। प्रश्न नंबर 3 में दिया है xy + y2 equal to tan x + y dy/dx ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो देख रहे हैं x और y दो फलन हैं,
तो दो फलन के गुणन का सूत्र लगेगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक यक्ष का अवकल गुणांक एक मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर में पहले हम घात का करेंगे, घात पहले आएगी, घात से एक घटाएंगे तो देख रहे हैं दो माइनस एक, एक घात की बचेगी। अब इसके बाद वाई का अवकल गुणांक करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप देख रहे हैं टेन एक्स का अवकल गुणांक सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का अवकल गुणांक करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी शेष पदों को दूसरी तरफ, देख रहे हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स और देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स पक्षांतर करेंगे माइनस में मिल जाएगा बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस देख रहे हैं वाई है पक्षांतर करेंगे माइनस वाई। तीनों पदों से यदि हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लें तो देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉमन करने के पश्चात देख रहे हैं शेष बचेगा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई या डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर चार में, चार में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देख रहे हैं प्रश्न नंबर चार, प्रश्न नंबर चार में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस देखने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सौ, तो इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का टू एक्स मिलेगा प्लस एक्स वाई दो फलन है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का देख रहे हैं टू वाई इंटू वाई का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और सौ अकेला अचर है जीरो मिल जाएगा। आप डी वाई बाई डी एक्स के पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, शेष पदों को हम पक्षांतर कर लेंगे टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देख रहे हैं टू एक्स माइनस में मिल जाएगा प्लस वाई पक्षांतर करेंगे माइनस वाई। अब इन पदों से देख रहे हैं दोनों से डी वाई बाई डी एक्स को यदि हम कॉमन कर लें तो कॉमन करने के पश्चात शेष बचेगा एक्स प्लस टू वाई और देख रहे हैं दोनों में माइनस है माइनस कॉमन कर लें तो दो एक्स प्लस वाई, इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा माइनस दो एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस दो वाई, तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, देख रहे हैं ये हमारा पांचवा प्रश्न था, ये पांचवा था और इसके पहले जो हमने किया था वो चौथा था और अब देख रहे हैं चौथा प्रश्न, हाँ देख रहे हैं चौथा और पांचवा हो चुका है, तीसरा प्रश्न शेष था तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया था ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू काश वाई, ये हमारा प्रश्न नंबर तीन था तो इसका अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं इसके अवकल गुणांक में हम यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ए अचर है बाहर कर लेंगे, यक्ष का एक मिल जाएगा, प्लस बी देख रहे हैं अचर है और वाई स्क्वायर का घात पहले आएगी, फिर घात से एक घटाएंगे और वाई का करेंगे डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू काश वाई का करेंगे तो माइनस साइन वाई इंटू वाई का अवकल गुणांक डीवाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से ए प्लस टू बी वाई डीवाई बाई डी एक्स और पक्षांतर कर लेंगे तो इधर प्लस में मिल जाएगा साइन वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देख रहे हैं दोनों से डीवाई बाई डी एक्स हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन करने के बाद बचेगा टू बी वाई प्लस साइन वाई और ए पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस ए के रूप में जाएगा। अब यदि dy बाई डी एक्स बराबर लिखें तो dy बाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा माइनस ए अपान टू बी वाई प्लस साइन वाई। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, देख रहे प्रश्न नंबर छः में, प्रश्न नंबर छः में दिया है यक्ष क्यूब प्लस यक्ष स्क्वायर वाई प्लस यक्ष वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 दिया है। तो इस दिए हुए फलन का हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसमें भी देख रहे हैं यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम यक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं एक्स क्यूब में एक्स की घात एन का सूत्र लगाएंगे, घात पहले आएगी फिर घात से एक घटा देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर वाई में देख रहे हैं दो फलन हैं तो दो फलन के गुणन का सूत्र लगाएंगे, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक एक्स स्क्वायर का करेंगे टू एक्स मिल जाएगा, प्लस देख रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर में भी दो फलन हैं, पहला फलन यक्ष इंटू दूसरे का अवकल गुणांक वाई स्क्वायर का करेंगे टू वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखिए ये हुआ पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक यक्ष का करेंगे एक मिल जाएगा, प्लस वाई क्यूब का पहले घात का करेंगे घात पहले आएगी घात से घटाएंगे अब वाई का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और बराबर देख रहे हैं 81 अचर पद हैं तो अकेले अचर का अवकल गुणांक जीरो हो जाता है। इसके बाद देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स के पदों को इस साइड रखेंगे बाकी सब पक्षांतर करके हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो देख रहे हैं यक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स यक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स फिर देख रहे हैं प्लस टू यक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू शेष पदों को पक्षांतर कर देंगे तो देख रहे हैं पक्षांतर करने में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर फिर देख रहे हैं टू एक्स वाई पक्षांतर किए माइनस टू एक्स वाई और इसके बाद देख रहे हैं प्लस वाई स्क्वायर पक्षांतर करेंगे कि हमारा माइनस वाई स्क्वायर के रूप में मिल जाएगा। आप तीनों पदों से डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, देख रहे हैं डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन करने के पश्चात शेष बचता है, देख रहे इसमें शेष बचा यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू देख रहे राइट हैंड साइड में तीनों पद निगेटिव हैं माइनस कॉमन कर लेंगे तो तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
अब इसके बाद dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं dy बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर देख रहे हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यही दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, देखने सातवां दिया है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखें साइन स्क्वायर वाई में पहले हम घात का करेंगे, घात पहले आएगी फिर घात से घटाएंगे तो देख रहे हैं टू साइन वाई, तो ये हमारा अभी एक्स की घात एन का फार्मूला हुआ है। अब हम साइन वाई का अवकल गुणांक करेंगे, साइन वाई का जानते हैं काश वाई, अब वाई का करेंगे तो वाई का अवकल गुणांक डी वाई बाई डी एक्स होता है प्लस काश एक्स वाई, काश एक्स वाई का जानते हैं काश का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू, अब देखिए काश का हमने कर दिया अब एक्स वाई का करेंगे तो एक्स वाई में देख रहे हैं दो फलन हैं तो दो फलन के गुणन का सूत्र लगेगा, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक एक्स का एक मिल जाएगा इंटू, देख रहे पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक, और देख रहे के अकेला अचर है तो अकेले अचर फलन का अवकल गुणांक जीरो हो जाता है। अब इसको हम सरल करेंगे तो देख रहे टू साइन वाई काश वाई को हमारा ये सूत्र बन जाता है टू साइन वाई काश वाई साइन टू वाई, साइन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और इस एक्स को पहले लिख लेते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और देख रहे हैं इस पद का वाई के साथ गुणा करेंगे तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब देख रहे हैं पहले और दूसरे इन दोनों पदों से यदि डी वाई बाई डी एक्स को कामन कर लें तो कामन करने के पश्चात शेष बचता है साइन टू वाई माइनस एक्स साइन, देख रहे साइन टू एक्स वाई, देख रहे साइन एक्स वाई ही है साइन एक्स वाई, ये हमारा शेष बचता है और इसको पक्षांतर करके हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो देख रहे हैं इधर नेगेटिव है राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा तो वाई इंटू साइन एक्स वाई, इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई अपान देख रहे हैं इधर गुणा में है पक्षांतर करेंगे भाग में मिल जाएगा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो ये दिए हुए फलन का अवकल गुणांक होगा, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आठ में दिया है, देख रहे हैं आठवां प्रश्न है, आठवें में कह रहा साइन स्क्वायर एक्स, प्रश्न नंबर आठ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू वन, इसका अवकल गुणांक निकालना है, देख रहे यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे साइन स्क्वायर एक्स घात पहले लाएंगे टू साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकल गुणांक जानते हैं कॉस एक्स होता है प्लस
इसमें भी घात पहले आएगी, फिर घात से एक घटाएंगे तो टू कॉस वाई, और कॉस वाई का जानते हैं माइनस साइन वाई, और वाई का यदि करते हैं तो वाई का अवकल गुणांक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अकेला अचर है जीरो हो जाएगा। तो टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स का फार्मूला होता है, और देख रहे हैं प्लस माइनस का गुणा माइनस मिल जाएगा, टू कॉस वाई साइन वाई साइन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से देख रहे हैं साइन टू एक्स को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा माइनस साइन टू एक्स, माइनस माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा साइन टू एक्स अपान साइन टू वाई। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर नौ में दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि इसको हम रूपांतरण के द्वारा हल करें, x बराबर यदि हम tan थीटा रख दें, x बराबर tan थीटा रखने पर देख रहे हैं x के स्थान पर यदि tan थीटा रखते हैं तो दिया हुआ फलन बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स टू tan थीटा अपान वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं टू tan थीटा अपान वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा साइन टू थीटा का मान होता है। तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा, देख रहे हैं साइन इनवर्स साइन पास पास हैं हट जाएंगे तो हमारा शेष बचेगा टू थीटा, और थीटा का मान यदि देख रहे हैं हमने x इक्वल टू tan थीटा माना था, यहाँ से थीटा निकालेंगे tan आएगा इनवर्स में, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x मिल जाएगा। तो फलन बन जाता है टू tan इनवर्स x। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो देख रहे हैं dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दो अचर है और tan इनवर्स x का अवकल गुणांक वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से dy वाई बाई डी एक्स का मान मिल जाता है dy वाई बाई डी एक्स बराबर दो बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं रूपांतरण के द्वारा अवकलन किया गया है। इसके बाद यदि हम दसवां प्रश्न देखें तो देख रहे हैं दसवें प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर दस है y इक्वल टू tan इनवर्स। प्रश्न नंबर दस, प्रश्न नंबर दस में दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स। देख रहे हैं y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। देख रहे हैं ये फलन दिया है और इस फलन का हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम x बराबर tan थीटा रख दें तो tan 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो x बराबर tan थीटा रखने पर x बराबर tan थीटा रखने पर देख रहे हैं x की जगह यदि हम tan थीटा रखेंगे तो फिर दिया हुआ फलन हमारा बन जाएगा, देख रहे हैं दिए हुए फलन का मान मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा, x के स्थान पर tan थीटा रखेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
देख रहे हैं, ये हमारा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, टेन थ्री थीटा का मान होता है तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। आप देख रहे हैं टेन इनवर्स टेन जानते हैं पास पास होने में टेन इनवर्स टेन का विलोपन हो जाता है तो हमारा थ्री थीटा बचेगा, और थीटा का मान यहीं से रख लें एक्स बराबर टेन थीटा जो हमने माना था, तो देख रहे हैं यही बन जाएगा वाई इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स यक्ष। अब हम यक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा, थ्री देख रहे हैं अचर है, टेन इनवर्स यक्ष का अवकल गुणांक वन अपान वन प्लस यक्ष स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स बराबर तीन और एक का गुणनफल तीन बटे एक प्लस यक्ष स्क्वायर, यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 11 में हमारा प्रश्न है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस यक्स स्क्वायर अपान वन प्लस यक्स स्क्वायर, ये हमारा प्रश्न नंबर 11 दिया है। इसमें भी देख रहे हैं यक्स की जगह अगर टेन थीटा रख दें तो फिर ये हमारा कॉस टू थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यक्स बराबर टेन थीटा रखने पर, तो यक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे तो दिया हुआ फलन बन जाएगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कॉस टू थीटा का मान होता है तो इसके स्थान पर कॉस टू थीटा रख देंगे तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस पास पास आने पर इनका विलोपन हो जाएगा तो हमारा टू थीटा मिलता है, और थीटा का मान रख दें तो यही हमारा टू टेन इनवर्स यक्स। अब इसका अवकल गुणांक कर लेंगे तो देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दो अचर है और टेन इनवर्स यक्ष का जानते हैं वन अपान वन प्लस यक्ष स्क्वायर। तो इस प्रकार से दिए हुए फलन का अवकल गुणांक टू अपान वन प्लस यक्ष स्क्वायर होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में देख रहे दिया है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस यक्स स्क्वायर अपान वन प्लस यक्स स्क्वायर देख रहे हैं दिया है, और इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 12 में वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस यक्स स्क्वायर अपान वन प्लस यक्स स्क्वायर। प्रश्न 11 में केवल कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का अंतर है, तो यदि इसमें हम यक्स बराबर टेन थीटा रख दें तो यक्स बराबर टेन थीटा रखने पर देख रहे हैं यक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे तो यही दिया हुआ फलन बन जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा कॉस टू थीटा का मान होता है कॉस टू थीटा, और यदि कॉस को हम साइन में बदलें तो हम जानते हैं कॉस थीटा साइन नब्बे माइनस थीटा का मान होता है साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा। आप देख रहे हैं साइन साइन इनवर्स पास पास हैं विलोपन हो जाएगा तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा, थीटा का मान रख लेते हैं तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा हमारा एक्स बराबर टेन थीटा से निकालेंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स यक्स मिल जाएगा। अब इसका हम अवकल गुणांक करेंगे तो
तो देख रहे हैं y का अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स पाई बाई टू अकेला अचर है जीरो हो जाएगा, माइनस टू इंटू टेन इनवर्स यक्ष का अवकल गुणांक वन अपान वन प्लस यक्ष स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस दो बटे वन प्लस यक्ष स्क्वायर, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 13वां प्रश्न। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 13 में दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स टू यक्ष अपान वन प्लस यक्ष स्क्वायर। देख रहे हैं इसमें भी यदि हम यक्ष बराबर, यदि इस दिए हुए प्रश्न में यक्ष बराबर टेन थीटा रख दें, तो यक्ष बराबर टेन थीटा रखने पर वाई इक्वल टू मिल जाएगा कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हम जानते हैं साइन टू थीटा का मान होता है। तो कॉस इनवर्स साइन टू थीटा, यदि हम साइन को कॉस में बदलें तो देख रहे हैं यही बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस पास पास होने पर इनका विलोपन हो जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा, जिसमें थीटा का यदि मान रख लिया जाए तो पाई बाई टू माइनस टू और थीटा देखिए निकालेंगे टेन इनवर्स यक्ष मिल जाएगा। अब इसका यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू अकेला चर है जीरो हो जाएगा, माइनस टू इंटू टेन इनवर्स यक्ष का वन अपान वन प्लस यक्ष स्क्वायर। इस प्रकार से dy बाई डी एक्स बराबर मिल जाता है माइनस दो बटे एक प्लस यक्स स्क्वायर, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 14 देख रहे हैं दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स टू यक्ष इंटू अंडर रूट वन माइनस यक्ष स्क्वायर, और इसका हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है अर्थात dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देख रहे हैं अगर हम यक्ष बराबर साइन थीटा रख दें तो फिर ये साइन टू थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो यक्ष बराबर साइन थीटा रखने पर एक्स बराबर साइन थीटा रखने पर देख रहे हैं दिया हुआ फलन वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा वर्गमूल लेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा का मान होता है साइन इनवर्स साइन टू थीटा। आप देख रहे हैं साइन इनवर्स साइन पास पास हैं, हट जाएंगे बचता है टू थीटा, थीटा का मान रख लेंगे तो टू चूंकि एक्स बराबर साइन थीटा था तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। अब इसका हम अवकल गुणांक करेंगे तो देख रहे हैं वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू साइन इनवर्स का वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर दो बटे अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर,
यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 15 में y इक्वल टू sec इनवर्स वन अपान टू x स्क्वायर माइनस वन, ये दिया है। तो sec इनवर्स को यदि हम cos इनवर्स में बदलें तो चूंकि हमारे पास ये फार्मूला है sec इनवर्स इक्वल टू होता है, कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो कॉस इनवर्स वन अपान यक्स, इसी फार्मूले से इसको यदि हम बदल लें तो देख रहे यही मान मिल जाएगा। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स उलट जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसमें यक्स इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर तो यदि हम x की जगह cos थीटा रख देते हैं तो यही प्रश्न हमारा बन जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। देख रहे टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, cos टू थीटा का मान होता है तो इसकी जगह हम cos टू थीटा रख लेंगे। आप देख रहे हैं कास इनवर्स कास पास पास हैं, विलोपन हो जाएगा, टू थीटा मिलता है, थीटा का मान रख लेंगे टू। देख रहे हैं यक्स बराबर कॉस थीटा माने थे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स यक्स मिलेगा। अब इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू इन टू कास इनवर्स यक्स का अवकल गुणांक माइनस वन अपन अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर। इस प्रकार से dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू अपान अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर मिल जाता है। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 5.3 पूर्ण हो जाती है। Thanks all of you for watching.